नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। भारत ने वर्ल्ड कप में आठवीं बार पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने 7 विकेट से ये मैच जीता। टीम के लिए हीरो रहे जसप्रीत बुमराह और कप्तान रोहित शर्मा। इन मैचों की कहानी क्या थी, भारत ने पाकिस्तान को कब, कहां और कितने रनों से हराया, चलिए आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। 1992 वर्ल्ड कप सिडनी, भारत ने यह मैच 43 रनों से जीता था। 1996 वर्ल्ड कप बेंगलुरु, इस मैच में भी भारत ने दर्ज की थी जीत। 1999 वर्ल्ड कप मैनचेस्टर, कारगिल युद्ध के समय था मैच, भारत ने जीता। 2003 वर्ल्ड कप सेंचुरियन, यह मैच होली के दिन था, भारत की जीत से रंग और गहरे हुए। 2011 वर्ल्ड कप मोहाली, भारत ने 2011 वर्ल्ड कप जीता, 28 साल बाद कीर्तिमान दोहराया। 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड, भारत ने बनाए 300 रन, पाक टीम 224 रनों पर सिमटी। 2019 वर्ल्ड कप मैनचेस्टर, भारत ने यह मैच 89 रनों से जीता था। 2023 वर्ल्ड कप अहमदाबाद, 2023 में यह इंडिया की लगातार तीसरी जीत है। भारतीय टीम के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने वर्ल्ड कप में दूसरी बार पाकिस्तान को अपनी जमीन पर हराया। इससे पहले साल 2011 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धोया था, वो मैच मोहाली में हुआ था। वापस अहमदाबाद आते हैं। 14 अक्टूबर को हुए मैच में जीत से पहले भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 7 बार पटका है। इस मैच में भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 216 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने शानदार 54 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 217 रन का पीछा करते हुए 173 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। आमिर सोहेल ने 62 रन बनाए थे। भारत ने यह मैच 43 रनों से जीता। 54 रन की पारी के लिए सचिन को मैन ऑफ द मैच मिला था। इस हार के बावजूद पाकिस्तान ने यह वर्ल्ड कप जीत लिया था। इस मैच में कई यादगार मोमेंट्स थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 287 रन बनाए थे। अजय जडेजा ने 25 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली थी। जडेजा ने पाकिस्तानी पेसर वकार यूनुस को अटैक किया। आखिरी कुछ ओवर्स में जडेजा ने 4 चौके और 2 छक्के लगाकर भारत को मोमेंटम दिया। मैच में नवजोत सिंह सिद्धू ने 115 गेंदों में 93 रन बनाए थे। 288 रन के स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम महज 248 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की पारी के दौरान वेंकटेश प्रसाद को आमिर सोहेल ने 1 चौका मारकर स्लैच किया था। इसके बाद वेंकी ने सोहेल को बोल्ड कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो लम्हा क्रिकेट फैंस के जहन में आज भी कैद है। ये टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के समय शुरू हुआ था। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। अजहर ने 77 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली थी। भारत ने 6 विकेट पर 227 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की टीम महज 180 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने वैसे तो भारत को कई मैच जिताए हैं, लेकिन इस मैच में उनकी पारी काफी यादगार रही थी। इतना ही नहीं, ये मैच सचिन और शोएब के बीच हुई नोकझोंक के लिए भी काफी चर्चित है। इस मैच में सचिन का पॉइंट के ऊपर से लगाया छक्का फैंस अब भी नहीं भूल पाए हैं। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने 273 रन बनाए थे और पाकिस्तान के लिए सईद अनवर ने शानदार शतक बनाया था। वहीं भारत ने स्कोर चेज करते हुए मात्र 45 ओवर 4 गेंदों में ही 274 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। इस मैच में दूसरी खास बात यह थी कि यह मैच होली के दिन खेला गया था। भारत की जीत से रंग और गहरे हो गए थे।
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। सचिन ने शानदार 85 रन बनाए। भारत ने 9 विकेट पर 260 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम मात्र 231 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए मिसबाहुल हक ने मेहनत तो करी, उन्होंने सबसे ज्यादा रन 56 रन बनाए। भारत ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था। 28 साल बाद भारत ने एक बार फिर यह कीर्तिमान दोहरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। 7 विकेट खोकर विराट कोहली की टीम ने 300 रन बनाए थे। विराट ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए शतक बनाया। कोहली ने 126 गेंदों पर 107 रन की पारी खेली। टारगेट चेस करते हुए पाकिस्तान की टीम 224 रनों पर ही सिमट गई और ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने इस मैच में 4 विकेट लिए। पाकिस्तान के लिए मिसबाहुल हक ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए थे। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर ओवल में यह दूसरी टक्कर थी। इससे पहले 1999 वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स के बीच मैच इसी मैदान पर हुआ था। इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट खोकर 336 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 140 रनों की बड़ी पारी खेली। बारिश के कारण मैच का टारगेट बदल गया। डीआरएस लगने के बाद पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम वो भी ना कर पाई। पाकिस्तान की टीम 212 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत ने यह मैच 89 रनों से जीता था। और अब सबसे ताजा जीत की बात करते हैं। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम को पहले बैटिंग करने को कहा। भारत के लिए कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने दो दो विकेट लिए। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन से ज्यादा नहीं बना सका। और जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बढ़िया रही। ओपनर शुभमन गिल 4 चौके लगाकर 16 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। विराट कोहली ने भी मात्र 16 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर 86 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। अय्यर और केएल राहुल ने टीम को जीत तक पहुंचाया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में यह इंडिया की लगातार तीसरी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ये थे वो मैच जिसमें भारत ने पाकिस्तान को कब, कहां और कितने रनों से हराया था। अब हम बात करेंगे आंकड़ों की। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं तो विराट कोहली का नाम रोहित शर्मा से पहले लिया जाता है, लेकिन बात अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की हो तो हेटमैन के आंकड़ों के आगे किंग कोहली कहीं भी नहीं ठहरते। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विराट पर भारी है रोहित के आंकड़े। वर्ल्ड कप में हर तरह से भारी है आंकड़े। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा। रोहित ने वर्ल्ड कप इतिहास में बनाए सबसे ज्यादा शतक। रोहित शर्मा खेल रहे हैं अपना 3रा वर्ल्ड कप। विराट कोहली खेल रहे अपना 4था वर्ल्ड कप। रन, शतक और चौके छक्के से लेकर एवरेज तक वर्ल्ड कप में हर तरह से भारी हैं आंकड़े। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में रन और शतक जड़ने से लेकर चौके छक्के जमाने तक हर तरह से विराट पर भारी हैं। यहां खास बात यह भी है कि विराट की तुलना में एक वर्ल्ड कप कम खेलने के बावजूद रोहित शर्मा उनसे बल्लेबाजी के हर विभाग में आगे हैं। विराट कोहली अपना 4था वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप डेब्यू किया था और इधर रोहित शर्मा का यह 3रा वर्ल्ड कप ही है। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 2015 में पहला वर्ल्ड कप मैच खेला था। विराट ने अब तक वर्ल्ड कप में 29 मुकाबले खेले हैं, वहीं रोहित अब तक महज 20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ही नजर आए हैं। रोहित बनाम विराट वर्ल्ड कप आंकड़े। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 1195 रन बना चुके हैं, जबकि विराट कोहली के खाते में 1186 रन है। वर्ल्ड कप 2023 के भारत पाकिस्तान मैच में रोहित ने रनों के मामले में विराट को पछाड़ा है
और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 66.38 की बल्लेबाजी औसत से रन बनाते हैं। वहीं विराट का वर्ल्ड कप में बैटिंग एवरेज 49.41 है। वहीं अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 101.96 है। वे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उधर विराट का वर्ल्ड कप स्ट्राइक रेट 86.6 है। साथ ही साथ रोहित शर्मा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। अब तक 7 शतक जमा चुके हैं। विराट कोहली के नाम अब तक महज 2 वर्ल्ड कप शतक ही हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के नाम 122 चौके हैं, जबकि विराट के खाते में महज 106 चौके जमा हैं। वहीं रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में कुल 34 छक्के जड़ चुके हैं और इस मामले में विराट बहुत ज्यादा पीछे हैं। विराट के नाम महज 5 छक्के दर्ज हैं। तो हमने आपको दिखाए ये आंकड़े जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली पर भारी हैं। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में खेले गए मैच की, जिसमें दिलचस्प नजारा देखने को मिला। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 86 रनों की शानदार पाली खेली और मैदान में रोहित ने अंपायर को डोले दिखाए थे। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि आखिर रोहित ने अंपायर को क्यों डोले दिखाए थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।